All right, India Today's mega exclusive news break here. The murder accused in Nikki Yadav's murder case, the accused speaks to India Today. The killer confrontation on camera. Killer Sahil and accomplice, his cousin, were confronted and he happened to speak to India Today. This same man, Sahil, who chopped his girlfriend, Nikki Yadav, and dumped her into a freezer, allegedly. These are the allegations against him. As the police, they're investigating the matter. They were confronted by our India Today correspondent and they have spoken to India Today in a mega exclusive news break. We're going to try and get you that. Let's have a look. नवीन दिल्ली पुलिस में रहकर क्यों करा आपने? कोई पछतावा है आपको? नवीन कुछ तो बोलो। नवीन क्यों करा? नवीन दिल्ली पुलिस में रहकर क्यों करा आपने? कोई पछतावा है आपको? नवीन कुछ तो बोलो। नवीन क्यों करा? All right, there you have it. India Today correspondents there trying to confront the accused, Sahil and Naveen. In fact, they're being asked as to why they pulled off that murder. The investigation is still on. Of course, the police will have to establish how this gruesome murder had taken place. So far, it appears Sahil has admitted more or less to killing Nikki and dumping her body in a refrigerator as advised by some of his friends. It's quite a shocking, gruesome murder that's come to light here in the Delhi NCR region, where Nikki Yadav, a young girl, was murdered by her boyfriend, who also appeared to be her husband because they allegedly married in a secret ceremony earlier. The man Sahil was then wanting to marry yet again to Nikki's disapproval, and that's when the issue got out of hand and Sahil is said to have murdered Nikki. Now, Arvind Oja joins us for a little more on that. Arvind, यहाँ पर जो हमारे reporters जो हैं, वहाँ पर साहिल से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, उन्होंने क्या उत्तर दिया है? नहीं, लगातार जो इंडिया टुडे ने कंफर्म किया है ना, सिर्फ साहिल को जो प्राइम अक्यूज है इस केस का, बल्कि नवीन जो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है और इस पूरे मर्डर केस में उसका एक अहम रोल है, दोनों को कंफर्म किया इंडिया टुडे ने, लेकिन दोनों सवालों से बचते रहे. इन सबके बीच ये एक खुलासा हुआ है दरअसल कि साहिल को पूरी तरह से, चूंकि नवीन दिल्ली पुलिस में पोस्टेड है, उसको पूरी जानकारी थी लीगैलिटी की, इस वजह से वो पूरा असिस्ट कर रहा था कि किस तरीके से कानून से बचना है अगर दिल्ली पुलिस उन्हें इस केस में पकड़ भी लेती है, इस बात का खुलासा हुआ है. साथ ही साथ जो साहिल के फादर है उनकी भी क्रिमिनल हिस्ट्री सामने आई है. तकरीबन 25 ईयर एगो, जो 25 साल पहले उन पर मर्डर का केस रजिस्टर्ड हुआ था जिसमें वो जेल गए थे, हालांकि हाईकोर्ट से उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था. तो पास्ट क्रिमिनल हिस्ट्री भी साहिल के फादर की है, उनको भी अरेस्ट किया गया है. आज सभी जो 6 अक्यूज्ड हैं उनकी पुलिस रिमांड खत्म हो रही है. कुछ देर बाद क्राइम ब्रांच की टीम इन सभी लोगों को, जब जितने भी अक्यूज्ड हैं, इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी. नवीला जी, यहाँ पर जो हत्या के बारे में हमें पता चला है कि साहिल के पिताजी भी इन्वॉल्व थे, उनको पता था, उनके फैमिली मेंबर्स को पता था कि उनके बेटे ने या फैमिली मेंबर साहिल ने हत्या किया है, फिर भी उन्होंने उसको एडवाइस किया कि चुप रहे और दूसरी शादी के लिए तैयारी भी उन्होंने जारी की, तो उनके फादर को भी अरेस्ट किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो फादर हैं साहिल के, वो एक बड़ा रीजन है इस जो निक्की मर्डर हुआ उस बारे में, उस केस में, और उनको भी अरेस्ट किया गया है. दरअसल साहिल ने 2020 में ही निक्की से ग्रेटर नोएडा में मंदिर में शादी कर ली थी. साहिल निक्की के साथ रहना चाहता था, लेकिन जो सेकंड माइंडसेट, सेकंड शादी की बात है, वो साहिल के फादर ने प्रपोज की साहिल के सामने, और उसके बाद साहिल के फादर ने ये भी कहा था, साहिल के फादर जो वीरेंद्र है, उन्होंने साहिल को कहा था कि इस लड़की का इलाज करो, नहीं तो ये बवाल कर देगी. यानी कहीं ना कहीं ये डर था साहिल और उसके फादर को कि अगर दूसरी शादी होती है तो निक्की वो
कहीं ना कहीं विवाद खड़ा कर सकती है और शायद यही वजह है कि यही एक मोटिव है कि जो निक्की यादव है उसका मर्डर किया गया। तो साहिल, साहिल के फादर, उसका कजिन नवीन जो दिल्ली पुलिस में पोस्टेड है, उन समेत कुल 6 अक्यूज अभी तक अरेस्ट हो चुके हैं। पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है और उनको जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। इन सबके बीच इंडिया टुडे ने कन्फ्रंट किया है साहिल को और नवीन को, ये पूछा हमने कि उसने मर्डर क्यों किया। हालांकि वो जो तमाम क्वेश्चन है उससे वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। जी अरविंद हमारे साथ जुड़े रहिए, आई एम गोइंग क्विकली कट अक्रॉस टू एग्जैक्टली दैट मोमेंट व्हेन आवर इंडिया टुडे रिपोर्टर्स कन्फ्रंटेड साहिल, दैट्स द वीडियो, लेट्स हैव अ लुक। नवीन तुम पुलिस नवीन दिल्ली पुलिस में रहकर क्यों करा आपने? कोई पछतावा है आपको? नवीन कुछ तो बोलो। ऑलराइट, लेट मी कट अक्रॉस टू अरविंद ओझा फॉर मोर ऑन दैट। अरविंद, हमें पता चला है कि एक दोस्त ने, नवीन ने कुछ गाइडेंस दिया साहिल को कि अगर हत्या किया है तो निकी की बॉडी को रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर के अंदर डालने के लिए, तो वो उसका पता नहीं चलेगा, उसकी बदबू या कुछ। क्या ये सच है? पुलिस ने क्या कहा इस बारे में? नहीं, बिल्कुल, देखिए रवीला, ये इंडिया टुडे को जो क्राइम ब्रांच के सोर्सेस से ये जानकारी मिली है कि दरअसल जब साहिल ने मर्डर कर दिया तो उसने अपने कजिन नवीन, जो कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है, उसको कॉल किया कि मैंने ये मर्डर कर दिया। उसके बाद नवीन ने पूरी प्लानिंग बताई कि किस तरह से साहिल को ये बताया कि वो जो बॉडी है वो फ्रिज में रख दे, और उसके बाद साहिल जाता है मित्राऊ विलेज, फ्रिज में रखता है। आगे इनकी प्लानिंग थी कि जो बॉडी निक्की की है उसको डिस्पोज ऑफ करना। 10 फेब को साहिल की शादी थी, इस वजह से जो बॉडी डिस्पोज का प्लान था वो कैंसिल कर दिया गया था। जितने भी अक्यूज थे, चाहे वो साहिल जिसने निक्की का मर्डर किया, नवीन जिसको मर्डर के बारे में जानकारी थी, साहिल के फादर जो इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे उनको जानकारी थी, कुल जो 6 अक्यूज जिनको अरेस्ट किया गया है उन सभी को ये जानकारी थी कि साहिल ने निक्की का मर्डर किया है, बावजूद इसके वो साहिल की शादी में 10 फेब को शामिल होते हैं। जहां इंडिया टुडे ने कन्फ्रंट किया और बार बार हमने क्वेश्चन पूछा कि कोई पछतावा है, लेकिन जो क्राइम ब्रांच के सोर्सेस कह रहे हैं कि न तो साहिल को और न तो साहिल के फादर को कोई भी इस मर्डर केस का पछतावा है, तो ये अभी तक के इंटरोगेशन में सामने आया है कि जो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल है नवीन, जो साहिल का कजिन है, न सिर्फ उसको मर्डर के बाद पूरी जानकारी थी बल्कि वो ये भी बता रहा था कि कैसे पुलिस से अगर इंटरोगेशन होता है तो कैसे पुलिस से बचना है, कैसे किस तरह से आगे जो बॉडी है उसको डिस्पोज ऑफ करना है, और किस तरीके से उसने ये असिस्टेंट दिया कि बॉडी को फिलहाल फ्रिज में रखना है। वेल, पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर एज दिस इंटेंसिफाइज, अ लॉट मेनी मोर ग्रूसम रेवलेशंस कमिंग टू फॉर द इंडिया टुडे ऑन टॉप द स्टोरी। अरविंद ओझा, थैंक यू फॉर नाउ।